हाय गाइस, आई एम शहजाद अहमद फ्रॉम शेखजी डॉट कॉम एंड वेलकम इन लेक्चर नंबर 97। आज हम देखते हैं कि हम डेटा कैसे सेंड कर सकते हैं फ्रॉम जेक्यूरी टू पीएचपी यूजिंग एजेक्स फंक्शनैलिटी। तो लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि हम एक प्रॉपर जो है एजेक्स कॉल करवा रहे थे एंड एक प्रॉपर जो है फाइल लोड करवा रहे थे। आज हम देखते हैं कि हम एक प्रॉपर जो है अपना डेटा कैसे सेंड हम करते हैं क्लाइंट से, जैसे ही फॉर्म फिल करवाते हैं क्लिक करते हैं तो वो कैसे सेंड करते हैं यूजिंग एजेक्स फंक्शनैलिटी इन जेक्यूरी। जैसे ही क्लिक करते हैं आपने देखा कि फाइल प्रॉपर हमारा लोड हो रहा है, ठीक है। हम वापस अपनी कोड की तरफ आते हैं एंड हम सेम एग्जांपल लेते हैं ताकि आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है। फिलहाल के लिए होम डॉट एच टी एम एल है आपका, ठीक है। हम क्या करते हैं, हम जस्ट इसे चेंज करते हैं। मैं कहता हूँ कि पी एच पी का फोल्डर है उसके अंदर होम डॉट PHP की फाइल रखी हुई है, ठीक है। हम PHP के फोल्डर की तरफ चलते हैं, आप देख सकते हैं कि PHP का फोल्डर है। फाइल अभी मेरे पास एग्जिस्ट नहीं है बट मैंने फिलहाल दे दी, ठीक है। हम यहाँ पे आते हैं एंड सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक इनपुट टाइप टेक्स्ट एंड उसे आईडी देते हैं ताकि हम सिलेक्टर बना सके अपना, फॉर इंस्टेंस नेम, ठीक है। जाहिर सी बात है जैसे ही अब हो क्या रहा है यहाँ पे, जैसे ही मैं वैल्यू दूंगा तो जाहिर सी बात है क्लिक करने के बाद यहाँ से वैल्यू जाएगी, एजेक्स फंक्शन कॉल होगा, देन पीएचपी की तरफ वैल्यू चली जाएगी हमारी, ठीक है। हम वापस अपने स्क्रिप्ट की तरफ आते हैं। सबसे पहले हमें जो है वैल्यू लेनी है, जैसे ही बटन क्लिक होता है तो यहाँ पे आने के बाद हम नेम के नाम से डॉट वैल, बिकॉज आपको पता है कि वैल्यू ऐसे ली जाती है, एंड हम वेरिएबल बना देते हैं एक नेम का, ठीक है। एंड अब फिलहाल के लिए अगर हम ये एजेक्स काट भी दें, मींस ठीक है, हम जस्ट अलर्ट करवा लेते हैं कि हमारी हमारा नेम आ रहा है प्रॉपर हमारे पास, ठीक है। वापस जाएंगे, रिफ्रेश करेंगे, मैं लिखता हूँ अहमद, तो अहमद आपका प्रॉपर आ रहा है, ठीक है। हम वापस आते हैं एंड यहां पे आने के बाद सेम कोड, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि ये वैल्यू यहां से सेंड करनी है कहां पे, पीएचपी की तरफ, ठीक है। तो हम आएंगे डेटा देन कॉलन, ठीक है, एंड देन हम किस वेरिएबल के अंदर सेंड कर रहे हैं वैल्यू। जैसे आप फॉर्म फिल करवाने के बाद यहां लिखते थे कि भाई नेम इक्वल्स टू फॉर इंस्टेंस नेम एंड इसी वेरिएबल से या इसी नेम से आप वहां पे वैल्यू गेट या पोस्ट के मेथड के जरिए वहां पे करवाते थे, ठीक है। तो फिलहाल के लिए मैं यहां लिखता हूं नेम इक्वल्स टू प्लस नेम, ठीक है, एंड देन कॉमा से जरूर सेपरेट करेंगे बिकॉज यूआरएल जैसे ही खत्म होगी देन आपने कॉमा जरूर देना है, अदरवाइज आपका एरर आ जाएगा, ठीक है। हम क्या करते हैं, वापस आते हैं, अपनी एक फाइल बनाते हैं होम डॉट पी एच पी की, उसे कहाँ सेव करवाते हैं आपको पता है कि पी एच पी की फाइल में, एंड यहाँ पे आने के बाद हम अपना स्क्रिप्ट लिखना स्टार्ट करते हैं पी एच पी का। एंड सबसे पहले तो हम चेक करवा देते हैं कि वो इस सेट है या नहीं, ठीक है। इफ इस सेट, अगर वो सेट हो क्या डॉलर गेट गेट एंड नेम हमने दिया हुआ है, अगर तो वो इस सेट हो, ठीक है, तो क्या करें, हम वैल्यू गेट करवा लेते हैं बिकॉज हम नेम से गेट करवा रहे हैं, ठीक है। एंड यहाँ पे आने के बाद हम उसे एको करवा देते हैं, ठीक है। हम वापस जाएंगे एंड रिफ्रेश करेंगे एंड आपको पता है कि हमने कोडिंग किस तरीके से की हुई है index.php की तरफ। आप यहां देख सकते हैं कि जैसे ही Ajax कॉल हुई URL की तरफ हम गए, ठीक है। हम यूजिंग डेटा सेंड कर रहे हैं अपना, एंड जैसे ही वो सक्सेसफुल होगा, क्या Ajax जो हम कॉल कर रहे हैं इस फाइल पे, जैसे ही सक्सेसफुल होगा तो हमें रिटर्न में डेटा मिलेगा कहां से, इस फाइल से, ठीक है। एंड देन वो उसे हम एक डिव के अंदर शो करवा रहे हैं, फीडबैक के नाम से बनाई हुई थी डिव जो हमने यहाँ पे बनाई हुई है,
ओके, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं भाई। यहां पे आएंगे आप, यहां पे लिखते हैं फॉर इंस्टेंस shakzi.com, लोड करते हैं तो आप देख सकते हैं कि आपका प्रॉपर जो है डेटा यहां पे मिल रहा है आपको। ठीक है, अगर आप ऐसे जो है वो नहीं करेंगे तो मैं आपको बता देता हूं कि आपको क्या होगा। आप अगर आप जो आपने home.php की फाइल बनाई हुई है यहां पे आप एको नहीं करते तो क्या होता है, हम देखते हैं। फॉर इंस्टेंस shakzi.com लिखते हैं तो देखें कुछ भी हैपन नहीं हो रहा। ठीक है, लेकिन यहां पे आपने एको जरूर करवाना है। ठीक है, एंड देन दूसरी बात ये थी कि अगर आप ये कॉमा से सेपरेट नहीं करेंगे इन्हें, इन्हें आप कॉमा से सेपरेट नहीं करेंगे, फॉर इंस्टेंस मैं कॉमा हटा देता हूं, एरर दे देता हूं, एंड देन जैसे ही मैं यहां पे आता हूं एंड लिखता हूं shakzi.com एंड क्लिक करता हूं तो देखें कुछ भी हैपन नहीं हो रहा, बिकॉज यहां पे हमें एरर देगा, एरर दे देगा। एंड आप हमेशा जब भी जो है एजेक्स यूज़ करें या फाइल्स आपने चेक करनी है कि प्रॉपर लोड हुई है आपकी jQuery के अंदर, तो यहां पे आप चेक कर सकते हैं। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो वो आपको बताएगा कि भाई यहां पे एरर है आपका। ठीक है, तो आपने बिल्कुल ख्याल रखना है, आपने डीबगिंग ऐसे करनी है एंड आप जो है अपनी चीज़ें ऐसे मैनेज कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मुझे सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा एंड अपनी कीमती राह से ज़रूर आगाह कीजिएगा, बिकॉज हमें पता नहीं कि पता नहीं आपको चीज़ें समझ भी आ रही हैं या नहीं आ रही। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, खुदा हाफिज़।